और हमारे बीच में पधार चुके हैं आबू रोड के तहसीलदार गोपाल सोनी जी। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। मैं बहनों से निवेदन करता हूं कि तिलक और पुष्पगुच्छ से गोपाल सोनी जी यहां के तहसीलदार उनका स्वागत करें और हम अपने स्थान पर बैठे हुए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से अपने अभिनंदन और अपने भाव इनके हृदय तक पहुंचाएं। तालियां। हमारे भाव तो तालियों से ही पहुंचने हैं। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा सोनी जी से, जो कि अपना बहुमूल्य समय लेकर के आए हैं, अपना हमें दो शब्द आशीर्वचन के रूप में सुनाए। धन्यवाद। सम्मानित मंच और उपस्थित सभी भाइयों, बहनों, बालकों, बालिकाओं, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि रेडियो मधुबन की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया है और मुझे मौका दिया आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने का, तो मैं अनुग्रहित हूँ आपने मुझे बुलाया। रेडियो मधुबन, पहले मैं यहाँ 2-3 बार ऊपर गया हूँ स्टूडियो में, बड़ा बहुत अच्छा लगा। 3 साल से ये रेडियो काम कर रहा है और यहाँ जनता में नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण जागरण और नशा मुक्ति, जैसे इस इलाके में शराब का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। और इस रेडियो का स्लोगन बड़ा अच्छा लगा मुझे, मुस्कराते रहिए सुनते रहिए। तो मतलब क्या है कि इतना अच्छा कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम आते रहते हैं इनके 90.4 FM पर, तो इन्होंने ये प्रोग्राम रखा बच्चों में स्वस्थ प्रतियोगिता के विकास के लिए। तो बच्चे क्या है कि बचपन में अगर सत प्रवृत्तियों का विकास हो जाए तो बाद में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति करते हैं। बच्चों में ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इनकी पढ़ाई में उतनी ऊर्जा लग नहीं पाती है, तो जो सरप्लस एनर्जी होती है उसको रचनात्मक दिशा अगर दे दी जाए तो उसका सदुपयोग होता है। तो आप बच्चों में अच्छी प्रवृत्तियों का विकास कर रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। जय हिंद।